आज इतने तरह का दूध है मेरे घर में। ये गुड इवनिंग, नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे ब्लॉग में। मुझे नहीं पता गोल्डी को क्या हुआ है, लास्ट में मैं बताने वाली हूँ गोल्डी को क्या हुआ है। ओह माय गॉड, चलो मैं ना चाय बनाती हूँ। गोल्डी को चाय बना रहा है और आप देख रहे हो कि दूध का ऐसा घोटाला हो गया। अभी तक आज दूध नहीं बॉयल की हूँ और आज फुल डे बहुत ज्यादा फुल डे जो है आज हेक्टिक वाले शेड्यूल में गया बिना काम। दुपट्टा रह गया तो दुपट्टा लेकर के किचन में मत जाना, दुपट्टा लेके किचन में नहीं जाते। अंशु एक और लाइट ऑन करो। अंशु के रिजल्ट आने में अब सिर्फ अब दिस इज मॉडर्निटी। ओ माय गॉड, नमस्ते। ओ माय गॉड गोल्डी के नाटक। अभी मैं किचन में जा रही हूँ। आज मैं 7:30 जो है 6 o'clock बोली थी क्या, मैं 7 o'clock हो रहा है अभी, 7:20 हो रहा है, सॉरी गलत अगर टाइम है 6 o'clock। मम्मा ना हमेशा मेरा कॉपी करती है। आज मैं नहाई हूँ सबसे पहले, मम्मा से भी पहले मैं पहनी हूँ तो मम्मा भी आज पिंक ही पहनी। अरे कसम से गोल्डी के ना कलर पजरा पूछ के लेगिंग्स में, एक तो जमाने के बाद आज कुर्ती पहनी और जमाने की बात मुझे याद भी नहीं है कि कब मैं कुर्ता कॉपी करती है मेरा, बोलती है कि मैं कॉपी करती हूँ। नहीं सीरियसली मुझे याद, मैं फिर फेस कितना सूखा सूखा लग रहा है इसका, तो कहीं से भी नहीं लग रहा है, कहीं से नहीं लग रहा है मेरा फेस सूखा सूखा लग रहा है। मैं ना नहीं जानती थी कि ये पिंक लेगिंग्स पहनी है, ये दिखलाती हूँ मैं। मुझे नहीं पता था कि पिंक लेगिंग्स पहनी है, जब मैं बैठती हूँ तब मैं देखी कि अच्छा मैंने भी पिंक लेगिंग्स पहना है, तो गोल्डी भी पिंक ले। और तब से मुझे बोली कॉपी कैट मम्मा, कॉपी कैट मम्मा। बिंदी भी लगा ली मेरे जैसा। मैं जब कुर्ता पहनती हूँ तो बिंदी मैं लगाती ही हूँ, ये बात गोल्डी को अजब नहीं हो रहा है। 50 बार बोल रही है, सुबह उठी है उस समय से अपने पापा को बोल रही है, पापा देखो आज मम्मा कुछ ज्यादा रेडी नहीं है क्या, पापा देखो आज मम्मा कुछ ज्यादा रेडी है नहीं क्या। गुड्डू कह रही है गुड्डू की वाइफ ये बात में कुछ लॉजिक समझ नहीं आया मुझे, लेकिन गुड्डू बोले ये गुड्डू की वाइफ। हम लोग यार सारी सूट जब पहनती हूँ तो बिंदी लगाती हूँ, अब वो हाफ पैंट में और स्कर्ट में और वो पहनी रहती हूँ वेस्टर्न, तो उसमें बिंदी तो नहीं उतना अच्छा लगता है, बिंदी नहीं लगा सकते। अब फैशन में भले जो है मुझे नहीं अच्छा लगता, लेकिन हाँ ये कलर का बिंदी मुझे बहुत पसंद है, बहुत रेड ब्लड रेड कलर का जो होता है ना वो मुझे बहुत पसंद है। मैं जा रही हूँ इस कलर का। ओके गोल्डी पिंक लगाइए, मैं पिंक नहीं लगाई, मेरा फेवरेट कलर जिस है। ये इतनी है अम्मा और तान्या दोनों मुझे बिंदी का पूरा इतना बड़ा वाला पतला साइन हो, आपको वो बात रह गया था, शौक आया है मुझे बिंदी लगाने। हाँ वो इतना बड़ा बड़ा यहाँ पे नहीं मिलता, उतना बड़ा बड़ा पत्थर जो है ना बिंदी का, और जो मैं यूज करती हूँ ना वो यहाँ पे मिलता भी नहीं। ब्रांड सुरुचि और शिल्पा, मुझे तो लगता है दोनों सगी बहन होगी सुरुचि शिल्पा जो भी हो। हाँ तो अम्मा मेरे लिए और भेजी थी दो पत्थर, तान्या अपने पसंद का भेजी थी, लेकिन वो क्या हुआ गोल्डी क्या की जहाँ देखी उसके बाद इतना बड़ा बीच से कट कर दी उसको। हाँ उसी जो आपको दिखला रही, हाँ सेम ही था लेकिन वो हाफ कट करके वो अपने पास रख लिया बिंदी का, मेरे पास जो है सो कि वो। अगर आप लोगों को ये कुर्ता पसंद आया होगा ना तो भी मैं इसका लिंक आपको नहीं प्रोवाइड कर सकती हूँ, क्योंकि ये मैं इथ्रेक सिटी से ली थी ये वाले कुर्ता। ये जो गोल्डी पहनी है ये अगर आपको पसंद आया तो इसका मैं लिंक आप लोगों को प्रोवाइड कर सकती हूँ। ये पसंद आया, मैं एक्चुअली ऐसे करी थी, तो आपको इसका पसंद आएगा तो आपको इसका लिंक मिल सकता है, क्योंकि ये मिंत्रा का है, ये मेरा ऑनलाइन चाय बनाना। चक्कर आ रहे हैं मुझे, अब मैं जा रही हूँ किचन में थोड़ा दूध उबाल लेती हूँ और आप लोग देखिए माँ बेटी को किचन में। दुपट्टा कहाँ रखी हुई है देखिए, चुन्नी कहाँ रखी हुई है, और गुड्डू लाए हैं थोड़ा सा नीमा और काकड़ी, काकड़ी वो वाला जो होता है ना ग्रीन वाला वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन अभी वो नहीं मिला है अभी। कंफ्यूज हो गई हूँ, चितले का ये मुझे लगता है गाय का दूध है ये,
यार ये तो फुल क्रीम गुड्डू, फुल क्रीम मतलब कि गाय का दूध नहीं हुआ ना, फुल क्रीम अगर लिखा हो किसी चीज के ऊपर तो इसका मतलब कि वो काउ मिल्क नहीं हुआ ना। यार मैं चितले यूज ही नहीं करती, मुझे चितले का कुछ पता ही नहीं है, इसमें काउ मिल्क कहीं नहीं लिखा हुआ है। पापा को दिखला क्या हो तो मुझे लगता है भैंस का दूध है ये। हाँ ठीक है, उसका तो वो येलो कलर मेरे ऊपर बहुत सुंदर लगता है, मेरा फेवरेट कलर। Sorry for being a mess. I gave my best, but was too late. But was too late. हाँ, finally बहुत confusion के बाद मुझे नहीं पता है, आप लोगों को पता है तो बता दो कि ये दूध जो होता है चितले का, ये वाला दूध चितले का ब्लू कलर का फुल क्रीम, ये गाय का होता है या भैंस का होता है मुझे पता नहीं। इसको मैं पापा गूगल पे देखूँ ना, मैं ना इसको इसके साथ बॉयल ही नहीं करूंगी, इसके साथ बॉयल नहीं करूंगी। मुझे कच्चा दूध निकालना था, एक कटोरी दो पिया मासी, मैं तुम्हारे स्टाइल में बना लू चाय, तुम जैसा सिखाई थी वैसे बना लू। बहुत गलत काम करती, इतना बड़ा कप में चाय, इसलिए मैं, आप बोलते हो ना, आप लोग सोचोगे कि छवि, हाँ छवि, मैं इसको ना मतलब स्ट्रिक्टली मना की हुई हूँ कि इसको तुमको चाय नहीं देना है, अब इसके दाने ठीक हो गए हैं। अच्छा कौन मुझसे पूछ रहा था कि इतना बड़ा है लेकिन चाय सिर्फ इतना रहता है, देखने में जो होता है दिखता है वही बिकता है, तो ये जो है वो देखिए आप, जो दिखता है वही बिकता है ना, ये कहावत है ना, ये बताइए तुम और तुम्हारे कहावत। तो चाय मम्मा पापा का बन गया, मैं अपना भी उसमें अदरक डाल के बनाऊंगी क्योंकि मैं प्लेन चाय नहीं पीती, तो ये मम्मा पापा का बन गया, तभी चाय जाके देख के आते हैं, ठीक है बाय। अभी रात के 11 बज रहे हैं, गोटी का नाटक अभी भी चल ही रहा है, आप लोगों से बात की उसके बाद चाय पी हूँ, चाय पीने के बाद जो है आज दिन में शेड्यूल थोड़ा बहुत ज़्यादा, आप लोगों को जैसे बताई कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा था, थोड़ा बैंक जाना हो गया था, कुछ काम था बैंक में, तो बैंक गई, फिर बैंक से आते आते 2:30 बज गए, उसके बाद फिर लंच बनाते बनाते तकरीबन, और लंच में आज क्यों ये संस्कारी रूप आपको देखना पड़ रहा है पहले वो बता दूँ, आज है सावन का पहला सोमवार, तो आप सबको सावन का बहुत शुभकामनाएं, और आज पहला सोमवार है तो सावन का, तो फिर मैं और गोल्डी दोनों फास्ट रखे हैं, मैं बचपन से, तो गोल्डी की जो संस्कारी रूप है वो श्रावण, मैं हर स्टैंडर्ड से रखती हूं, हर फेस्टिवल हो तीजो या फिर आपको राखी हो या फिर कोई भी फंक्शन हो, तो गोल्डी पूरा ट्रेडिशनल ये इंडियन आउटफिट पहनती है, वो बहुत, इन्हें बहुत पसंद आता है ये, आज तो थोड़ा कम है नहीं तो बड़े बड़े, क्योंकि आज फास्ट है, अगर फास्ट वाला बात ना होता तो इयर रिंग में लटके होते, लिपस्टिक होता, सब कुछ होता, मैं बोली बेटा वैसे भी लिपस्टिक का क्या ओकेजन के हिसाब से, तो आज गोल्डी के ये संस्कारी रूप आप लोगों को देखने पड़े, 5 मंडेज में ऐसे ही, अरे इस महीने
गोलियां बस करो प्लीज यार, गोली का मैं बात नानी बोले इसे 5 ही है इसका। अच्छा 4 होता है नहीं तो 5 होता है ना, इसको 5 ही है व्हाटएवर 5 है बेचारे वो मुझे नहीं पता 5 है नानी बोले ये 5 है तो 5 हो गए मुझे नहीं पता मैं मुझे पता नहीं मैं पूछ रही हूं नानी से। उसके बाद मैं मटर पुलाव बनाई थी वो मसाला पुलाव बोल दो बिरयानी बोल दो सब टेस्टी बनाया तो आज शाम में क्या बनाई स्प्राउट मैं पानी आ गया था तो आज मैं वो मटर सब मेरा फेवरेट बनाई तो क्योंकि बहुत शाम हो गया था और लंच बनाते बनाते बहुत टाइम हो जाता तो गुड्डू को मैं गया कि चूड़ा और वो उनको ना मूंग मेरे हाथ का बना हुआ बहुत अच्छा लगता है स्प्राउट वाला वो बना दी फिर वो खा लिए गुड्डू फिर रात में भी वो पुलाव और खा लिए। फास्ट नहीं करने वाली थी बोलो हाँ मैं फास्ट नहीं करने वाली लेकिन मैं फास्ट की तो मम्मा भी फास्ट की बोली ना कॉपी करती है ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं फास्ट कॉपी करके करूं लेकिन आज मेरी इच्छा नहीं थी मुझे लग रहा था शायद मैं ना कर पाऊं क्योंकि थर्सडे भी रहता है मेरा और फिर मंडे भी तो वीक में 2 दिन फास्ट और उसमें घर का सारा काम शायद ना कर पाऊं कृपा है महादेव जी का हो गया अच्छे से और अभी भी मतलब ठीक ठाक लग रही हूँ रात के अभी 11 बज रहे हैं। अच्छा बताइएगा किसको देख के लग रहा है कि वो फास्ट में नहीं है गोली को देख के लग रहा है कि वो फास्ट गोली को लग रहा है खाई पी है मुझे लग रहा है मेरा फेस सूख गया मुझे लग रहा है कि मैं फास्ट में मतलब ये लुक से लग रहा है कि तुम फास्ट में हो लेकिन फेस को देख करके नहीं लग रहा है कि तुम फास्ट में हो मेरे लुक को देख करके नहीं लग रहा है कि मैं फास्ट में हूं। अच्छा आप लेकिन मेरे फेस को देख के लग रहा है कि मैं फास्ट की हूं। आप लोग कमेंट करके बताना किसका लग रहा है। प्लीज अब ये हटाओ यार पापा गुड्डू को चाय दे रही है ऐसे कर पापा ऐसे दे रही है गुड्डू को चाय गुड्डू में कुछ नहीं ला 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 बता ऐसे भी ऐसे 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 गई है गुड्डू पापा चाय मैं बोली गोली अब बस करो यार मुझे अब उल्टी हो जाएगा तुम्हारे ये संस्कारी रूप कुछ ज्यादा ही संस्कारी हो रहा है मेरे सर के ऊपर बहुत भारी हो रहा है इसलिए तुम सीरियसली अरे ना ये तो लाइव हो गया तुम्हारा संस्कारी रूप बड़ा बहुत ज्यादा संस्कारी हो रहा है और ये रूप तुम्हारा मुझ पे बहुत भारी हो रहा है वाओ क्या लाइन बनाई भाई मैं बोली ना मम्मा के प्रॉवर्ब्स मम्मा के शेर शायरी सब अभी 12 बजे से बैठूंगी मैं वीडियो बनाने और हाँ कल दो वीडियो अपलोड करूंगी सुबह में नॉर्मल वीडियो अपलोड करूंगी और शाम के टाइम में जो मेरे हाँ, आज अंशु के वजह से मैं अभी पानी पी अभी मेरा अंशु के वजह से निर्जला मैं तो एक ही बार निर्जला व्रत मैं उसके बाद मतलब निर्जला तीज में तो निर्जला व्रत होता है निर्जला मतलब जिसमें आप पानी भी नहीं पीना है आपको इसे तीज होता है गोलियां बस करो यार अब 12 नहीं बजने जा रहा बंद करो अपना ये तो तो तीज होता है जैसे हम लोगों का खरीदारी का उसमें हम लोग पहले ये तो शादी के बाद शादी के पहले का बताओ निर्जला वाला तो कम ऐसे मत हिलाओ मैं बहुत वीक फील कर रही हूँ ऐसे हिलाओगी तो मैं गिर जाऊंगी अरे सीधा बोलो कि तुम निर्जला व्रत करी थी तो पापा से शादी हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ कुछ भी यार ये कुछ भी हे भगवान मैं क्या बोलना चाह रही हूँ और क्या ये बोल रही ओह माय गॉड नहीं मैं ना मतलब पूरा लैग तो सब तोड़ दी अरे पता है क्या हुआ शादी के पहले मैं सोमवारी जो है नॉर्मल सोमवार कर दी दिया एंड पल्लवी ये दोनों को फास्टिंग का बड़ा फितूर सवार था दोनों मुझसे उम्र में बड़ी छोटी मैं सोची कि भैया अब वो दोनों को मैं बोली बेटा बाबू पानी पियो नहीं मैं पानी पियो नहीं महाशिवरात्रि सोमवारी नहीं सॉरी महाशिवरात्रि मैं सोमवार करती थी लेकिन महाशिवरात्रि मैं नहीं करती थी मतलब गई शंकर भगवान को नम शिवाय की आकर के खाना वाना खा ले मतलब मंत्र पीऊंगी मैम नम 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 जो भी मंत्र समझ लो और उसके बाद चाय पानी जो होता था वो सब अपना मैं करती थी मस्त साबुदाना का खीर वगैरह खाती थी अभी मेरी दोनों बहन प्रिया एंड पल्लवी अब दोनों भीड़ गई कि नहीं मैं तो महाशिवरात्रि करूँ अब महाशिवरात्रि में
पानी भी नहीं पीऊंगी मैं पूरी दिन भर मतलब 3-4 घंटे है ना मैं लगी रही, नहीं बाबू पानी पीओ, नहीं बाबू पानी, टस से मस नहीं हुई दोनों। मैं बोली यार सब लोग क्या कहेंगे कि इतनी छोटी छोटी बहन सब ये निर्जला कर रही है और इतनी बड़ी होकर के छवि पानी पी रही है। मैं भी टैश में आकर के मैं बोली क्या उसका दर्शन टॉश टैश होता है तोश नहीं होता है टैश में आके मतलब उसको क्या बोलेंगे जोश में आकर के हाँ टैश हाँ टैश भी होता है टैश बहुत ही होता है टैश में आकर मतलब पावर में आके जो भी हो हाँ चल गिरा तो मैं आकर के ना मजा आ गया गोली का गिरा ओ माय गॉड गोली प्लीज यार मैं क्यों याद दिलाती मैं कर ली और जिस साल मैं महाशिवरात्रि की थी उसी साल मेरी शादी फिक्स हो गई। अब हो गया मैं अपना बात कंप्लीट करूँ बात कंप्लीट करने के ये उल्टा पूरी हाँ तो आज अंशु ने पानी नहीं भरा और मैं मेरा ये मेरे बेटे को ऊपर के ऊपर गलत इल्तिजा क्या बोलते हैं इल्जाम हाँ गलत इल्जाम लगा रही है सरकार आपको आप समझ में आ रहा है मैं फास्ट करके मेरे आवाज भी लग खराब है मैं कैसे वीडियो बनाऊंगी जनरल टॉक्स के लिए सोचो मेरा ये है मैं इसी में पानी पीती हूँ ये भी खाली था बाकी बॉटल्स भी खाली थे और मैं पानी कैसे पीऊँ मैं मुझे भरने का मूड बिल्कुल नहीं था क्योंकि उसका ड्यूटी है तो उसको करना अब चाहिए। ये ड्यूटी वाले हाँ बोलो 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 अभी तो बोलने ही नहीं अच्छा बोलो बोलो मैं नहीं बोल रहा मैं जा हाँ तो वो भरा ही नहीं पानी और उसका ड्यूटी मैं नहीं कर सकूँ मैं हूँ कि जो जिसको ड्यूटी मिला है वो करना ही चाहिए मैं अपना ड्यूटी करती हूँ उसको भी ड्यूटी करना चाहिए वॉल्यूम कम करो उसको भी उसका ड्यूटी करना चाहिए तो मैं शाम में पानी पी तो इसके वजह से आधा दिन मेरा निर्जला में निर्जला यस विदाउट फूड वाटर फास्ट तो उसमें चला गया और अब भी मैं पानी पी हूँ तो मुझे यही कहना था मैं भी मम्मा को बुलाती मो ट्राई का कि किसको देख के लग रहे कि वो फास्ट मुझे आवाज लड़खड़ा रही है अब हंसी भी नहीं निकल रही है ऐसे करके हंसी ना खुल के नहीं हंसी ना मैं तो ये गेटअप में नहीं हूँ मैं लेकिन देखो मैं आपको बता रही गेटअप में नहीं हूँ तुमको सिर्फ दुपट्टा डालना है तुमको तो भी मैं देखो मैं फास्ट देखो आप ये गोल्डी भी रखी थी और ये मैं भी रखी हूँ देखिए गोल्डी का फेस नहीं लग रहा है ना कि वो फास्ट की हुई है कुछ भी नहीं खाई मैं दो दाने मूंगफली के खाई दो दाने नहीं थे और दूसरी बात दो दाने और काकड़ी खाई है काकड़ी हाँ तो क्यूकम्बर ही तो खाई तो एक क्यूकम्बर वो भी काटते काटते कितना ही रह गया था सोचो एक क्यूक्यूम्बर खाई हूँ मैं क्यूक्यूम्बर काटते काटते इतना रह गया और मेरा सोचो जो भी हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेरा फेस देखिए मैं फास्ट तो आप कमेंट करके कितना भी ऐसे करोगी तुम एकदम नहीं लग रहा मैं पोचू देश के संस्कारी वाले आज ये लोग मूवी नहीं देख रहा है लाडू लेकिन मैं अंशु और मेरा जो कजिन ब्रदर है अभी हम तीनों बैठ के लूडो किंग खेलने वाले क्या है ये लूडो किंग यू वांट अंडरस्टैंड यस मुझे नहीं पता है सही बात सो ऑनलाइन खेलने वाले हैं अच्छा हाँ सुदापा जी पूछ रही थी कि गोल्डी को रोपोसो बता दीजिए रोपोसो पे है कौन से नाम से हो मैं लिंक डाल चुकी हूँ ओके इंस्टा पे डाल मैं अपना नाम भी डाल चुकी हूँ इंस्टा पे ये रोपोसो पे है और इसके वीडियो भी है और इसके फॉलोअर भी बहुत अच्छे हैं मैंने कमेंट भी किया था सुदापा जी ये रोपोसो पे और हाँ आप थर्ड है एक प्राची जी करके आई है और एक शालिनी करके है वो सब उसमें मम्मा से ज्यादा फॉलोअर्स है मुझे बहुत ज्यादा फॉलोअर है गोल्डी के अब मुझे नहीं आता मैं ना एक्चुअली क्या मुझे गाना करके ऐसे मुझे डिजाइन मारने नहीं आता अब उनसे ब्यूटी का जो भी पूछ लो लेकिन एक होता एक मैं बनाई थी ये तेरी आंखें झुकी झुकी ओह माय गॉड गाना गाना
ना टिकटॉक तुम्हारे लिए था, ना रोपोसो तुम्हारे लिए। मेरी बहन भी कहती है पल्लवी छपी दीदी टिकटॉक रोपोसो मेरे और गोल्डी के लिए रहने को तुम बताओ। वो क्या है लिपसिंग में वो इन लोगों का होता है ना एकदम, वो मुझे नहीं आता। अभी सब में सब वो तेरी आंखें झुकी है। सही बात है, तुम्हारा दिमाग ब्यूटी से भरा है, मेरा नहीं। अरे मैं ना मेरा दिमाग फैशन, मुझे पता है तुमको फैशन सेंस नहीं है। अच्छा मुझे फैशन सेंस, मैं मम्मा को कपड़े पहनाती हूँ। हाँ, रिवील रिवील। ओके मुझे फैशन सेंस नहीं है। ये भी कुर्ती मेरे ही पसंद का है। कितनी झूठी। मेरा इसका पसंद मिलता है आपस में, लेकिन मोस्टली जो मैं वही लेती हूँ जो मुझे पसंद। ये मैं ही दिखाई। हाँ ये तुम दिखाई। कितनी लड़ाकत है सोचिए, इतनी मेरे साथ ही शॉपिंग के लिए जाती है, जो मैं बोलती हूँ ये अच्छा लग रहा है वही खरीदती है। तो अब मेरा ही हुआ ये तो मेरा प्यार है कि जो तुम बोलती हो मैं खरीद लेती हूँ। मैं गोल्डी का मन कि मैं शॉर्ट्स पहन के बाहर भी जाऊँ, लेकिन मैं शॉर्ट्स पहन के घर में रहती हूँ। अब नया मैं शॉर्ट्स पहनी, मैं रोड पे नहीं जा सकती। अब मैं ये बोलते ना गांव में कि बूढ़ा सुग्गा जो है वो पोस नहीं मानता। ओह माय गॉड, मैं वही सोची अभी। हाँ जो पीछे से होगा संस्कार नाम का चीज है पुत्र है अभी तक वही मैं सोची। इतना देर अभी हम लोग ब्लॉग शूट कर रहे, लेकिन अभी तक एक भी क्यू नहीं आया। मुहावरे एक्चुअली है बूढ़ा सुग्गा जो होता है तोता वो पोस नहीं मानता। देखो ये मुझे सरिया मेरा मुंह बंद कर रही है, ये संस्कार नाम का चीज नहीं है तुम। देखो मैं इस जगह बुढ़ापा में नहीं आऊंगी रहने, सीरियसली ये तो मुझे बोलने मुझे रहने ही नहीं देगी अपने कुछ ऐसा बोलो जो मुझे समझ में आए। मैं बोल रही हूँ तुम उसको जैसे कि बूढ़ा सुगा पोस नहीं बस, 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 है। बस, मतलब बस 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 बूढ़े लोगों को मुझे बोलने नहीं दी कितनी गंदी है। चलो भैया अभी रात के हम लोग जा रहे हैं गेम खेलने। ये लोग गेम खेलने जा रहे हैं और मैं अभी 12 o'clock से मैं 12 o'clock से जनरल टॉक्स के लिए वीडियो बनाऊंगी और 3 o'clock 5 o'clock हाँ ये पीछे से मेरे पुत्र जी बोल रहे क्या बोल रहे हैं बहुत मेहनत करती क्योंकि दिन भर टाइम मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। ओ माय गॉड आंचल गिर गया फेविकोल से चिपका डालू। नमस्ते, धन्यवाद हमारा ब्लॉग देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, बाय बाय, नमस्ते। ये हजम हो नहीं रहा है मुझे, लेकिन मुझे हजम करना पड़ेगा।